ग्वालियर के गोलेका मंदिर थाना इलाके के समर्थ नगर में देर रात हुई फायरिंग के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। गोलेका मंदिर थाने में जिस महिला द्वारा 3 लोगों के खिलाफ फायरिंग करने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया था, उस पक्ष की एक बुजुर्ग महिला और उसकी बहन SP ऑफिस पहुंची, जहाँ बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, साथ ही इच्छा मृत्यु की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरी बहू प्रताड़ित करती है मुझे, मेरे बेटे को भी मारती पीटती है। उसके घर वाले आकर के मुझे मेरे बेटे को मारते हैंगे और मेरे बेटे को मुर्गा बनाते, मुझे कुर्सी से बांध देते हैं और मेरे बेटे से कहते डांस कर। हाँ, तो आज दो महिला आए हैं, बुजुर्ग हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, वो गोले के मंदिर के रहने वाले हैं। उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया था गोले के मंदिर में इस साल अप्रैल में। उनके बेटे के खिलाफ उनके बहू ने किया था कि उनके बेटे और घर परिवार वाले उनको काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं।